हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, और वो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैं शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। तो ना कल मैं बहुत थक गई थी, व्लॉग मैंने थोड़ा सा बनाया था, उसको एडिट भी करा, पर तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैं कल मॉर्निंग से उसको कंटिन्यू करूँगी, फिर एडिट करके जोड़ूंगी, फिर आपको वो नेक्स्ट से दिखने को मिलेगा, ठीक है। और आज ना मैं आपसे एक सीरियस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, नॉट इतना बड़ा सीरियस टॉपिक मेरे लिए नहीं है, पर हाँ उससे मेरी छोटी बहन को ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स के लिए बोला गया है, इसलिए मैं उस टॉपिक के बारे में बोलना चाह रही हूँ। आज ना एक कमेंट आया था, ठीक है, जिसका भी आया था, जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन लोगों ने वो कमेंट पढ़ ही लिया होगा कि जो भी है। देखो ये चीज़ें, देखो दुनिया में ना करोड़ों इंसान होते हैं, ठीक है, बहुत लोग इंसान होते हैं, जैसे मेरे, हम भी हैं, हमारी फैमिली है 5 मेंबर्स की, तो सबकी ना आदतें अलग अलग है, सबकी पसंद अलग है, सबकी चॉइस अलग है, सबका रहने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, वही चीज़ है, हमारे माँ बाप ने हमें कभी जज नहीं किया, हमें बस खुली छूट दी है जैसा हम रहना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी दुनिया की परवाह नहीं करी है, सिर्फ हमारा सोचा है, और उन्होंने बोला है तुम जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है तुम वो करो, ठीक है। तो हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है, जैसा हम रहना पसंद करते हैं, तो हम वैसा ही रहते हैं। तो सेम चीज़ जिस उन्होंने मेरे को बोला था कि आप अपने पति से तू तड़ैक पे बात करती हो, मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे साथ वैसा ही कंफर्टेबल फील करता है, मैं भी उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल वैसे फील करती हूँ, क्योंकि मैं उससे वैसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, वो भी मेरे साथ करते हैं। और हम लोग ना लाइक ऐसा नहीं, ये मेरा पति है तो जी 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 करके इज्जत करूँ, ठीक है। तो हम एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं कि ठीक है, वो भी मेरे को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रहा है, मैं भी उसको बता रही हूँ, हम हर चीज़ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहती तो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए जी कैसे हो जी कैसे हो जी ये कर सकती थी, पर वो मुझसे ना फेक नहीं हो पाएगा। अगर मैं वो भी करूँगी तो सिर्फ 10 दिन कर पाऊँगी, 10 दिन के बाद मैं वापस से अपने ही टोन में आ जाऊँगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ठीक है, वो आप हमसे बड़े हो छोटे हो जो भी है, वो आपका सजेशन था, अच्छी बात है, आपने सॉरी भी बोला, लेकिन आपने बोला कि आपके माँ बाप के संस्कार, तो ये गलत बात है ना, आप हमारे माँ बाप के बारे में नहीं बोल सकते हो, ठीक है। मैं ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है, तो आप मेरे लिए बोलो, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता नेगेटिव पीपल से, क्योंकि मेरे पास अगर 2 लोग नेगेटिव है ना, तो 100 लोग मेरे पास पॉजिटिव वाले भी हैं, अच्छे लोग हैं, मेरे को सपोर्ट करने वाले भी हैं, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, और सच में मुझे जेन्युइनली फ़र्क नहीं पड़ता। तो पर कहीं ना कहीं मेरी छोटी बहन को उस चीज़ से फ़र्क पड़ा कि हाँ भाई, हमारे माँ बाप के लिए बोला गया, और आप उनकी परवरिश पे या कोई भी हो, वो मेरे क्या, आप किसी की बात भी हो, मतलब अगर बच्चा कोई गलत चीज़ें करता है ना, तो आप उसके माँ बाप पे नहीं जा सकते। अगर मैं कल के दिन, चलो ठीक है, मैं गलत कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, अगर कल के दिन मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ ना, तो आप मेरे माँ बाप के संस्कारों पे नहीं जा सकते हो, ठीक है, वो चीज़ गलत है। इससे अगर आपने ऐसे बोला, तो मैं भी आपको बैक पे बोल सकती थी कि आप अपने माँ बाप के संस्कारों को दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको फिर भी इतना लाइटली ले जा रही हूँ, और इतने पोलाइटली चीज़ें समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो भी मेरे माँ बाप के संस्कार ही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, एक बंदा और है, वो ना काफ़ी टाइम से बहुत मैसेज किए जाते हैं कि आपका हस्बैंड का घर क्या है, वो क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा खर्चीली हो, या मतलब आप क्या करती हो, आपके आपके खर्चे कौन उठाता है, ठीक है। तो यार मैं इतने टाइम से व्लॉग कर रही हूँ, और उस चीज़ से सब पता चलता है कि मैं क्या करती हूँ, मैं, मेरा पति क्या करता है, या कुछ भी चीज़ है, सबको पता है कि मेरा पति पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं वही बोलती हूँ कि मेरा पति पढ़ाई कर रहा है, और चीज़ें हैं, मेरे खर्चे मेरे माँ बाप उठाते हैं, कल के दिन को मेरा पति उठाएगा, ठीक है, और मेरा भाई उठाता है, मेरे नखरे मेरे सब लोग, माँ बाप भाई बहन सब लोग झेलते हैं। और दूसरी चीज़ है, मेरा पति कहाँ रहता है, किस गांव से बिलोंग करता है, वो मतलब इतना तो प्राइवेसी होना ही चाहिए, उसका गांव से गया, जब मैं बोलती हूँ इतने बार, तो मैंने अपने ससुराल का व्लॉग बनाया है गाइज, मैं बहादुरगढ़ पहुँच गई हूँ, मैं अपने ससुराल पहुँच गई हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, आप हमारे रिलेशनशिप को जज करने वाले होते कौन है, हमारा रिलेशनशिप, चलो ठीक है, हाँ कल को चले ना चले, वो हमारे पर है, हमारे पर डिपेंड करता है ना, कि हम उसको चलाएं ना चलाएं, या इंटरकास्ट मैरिज है, हम अपने कल्चर को कैसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं चीज़ें। पर आप ये चीज़ें देखो, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि देखो, मैं आजकल शॉपिंग करती हूँ, आपको पता है इतना स्ट्रेस वैसे ही होता है, शादी नेक्स्ट मंथ मेरा शादी भी है, तो कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और वो भी देखते हैं, आपको पता ही है कि मेरी मम्मी मेरे पीछे लगी रहती है व्लॉगिंग वगैरह में, अगर वो ऐसे कमेंट दिखेगी तो उनको भी फ़र्क पड़ेगा। और अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, कैमरा भी मेरी माँ ने ही पकड़ा है तो वो चीज़ें उनको भी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से ना, भले ही वो हमको दिखाए नहीं,
लेकिन चीज़ें वो होता है डिमोटिवेट वो ज़्यादा होते हैं, और मेरी मम्मी का तो बीपी इतना ज़्यादा हाई चढ़ जाता है, उसने ऐसा क्यों बोला होगा, फिर ऐसा क्यों करा होगा, फिर ऐसा सोचते रहती है। मैं बोलती हूँ मम्मी छोड़ो ना, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम से ना ध्यान देना, आपको मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, मेरे को मुझे जज करना है करो, क्योंकि देखो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे को 10 लोग पसंद करेंगे 10 लोग नापसंद भी करेंगे, उस चीज़ से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं कैसे रिप्लाई कर, हर किसी की रिप्लाई तो कर नहीं सकती ना, पर ऐसे माँ बाप पे जाना या मेरे पति पे जाना या मेरे पति के कैरेक्टर पे जाना वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूँ, जो भी है मेरे बारे में कुछ भी बोल लो चलेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरी फैमिली के बारे में मत बोलना, मेरे माँ बाप के संस्कारों पर मत जाना, उस चीज़ से ना बस आप अपना कैरेक्टर दिखा रहे हो कि आप कैसे हो, आप क्या चीज़ हो, और मैं आप लोगों के माँ बाप के संस्कारों पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमारे सब सभी लोगों के माँ बाप अच्छे ही संस्कार सिखाते हैं सबको, कि हाँ भाई तुम किसी के कोई मतलब ऐसा नहीं सिखाते तुम ये करो वो करो वो करो, वो हम चीज वो अगर हम गलत भी करें तो वो हम खुद ही से सीखते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था, और कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा पटर पटर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ उसके लिए। और पता है मैं वीडियो नहीं बनाती है, मेरी बहन को गुस्सा आया, छोटी वाली बहन को, उसने कहा दीदी ऐसा कैसे बोल सकती है, ये है क्या है भाई, कैसे कैसे लोग हैं, और वो छोटी है अभी मतलब टीनेजर में आ रही है ना, मतलब 14-15 साल की, तो आप समझ ही सकते हो, तो वो ज़्यादा हाइपर हो गई थी। तो मैंने बोला कि बहन आएंगे, बट फिर भी ये चीज़ है, उसकी खुशी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, और दूसरी चीज़ है ना मैं कल व्लॉग भी नहीं डाल रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये ना लगे कि मैं उस मैसेज से हिट हो रही हूँ या वो खत्री जी के मैसेज से हिट हो रही हूँ कि मेरा चलेगा नहीं चलेगा वो चीज़ें। अरे वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मेरे माँ बाप का प्रॉब्लम है कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करवाई है या मेरा पति के साथ चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, बस इसी के साथ शुक्रिया धन्यवाद। मैं अभी भी ये बोलूँगी जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो नहीं भी करते ना कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अभी लास्ट फिर से बोल रही हूँ, करोड़ों इंसान हैं, सबकी पसंद नापसंद, सबका पॉइंट ऑफ व्यू, सबका जजमेंट अलग होता है, और मैं किसी को जज करने वाली है, कोई मुझे जज करने वाला नहीं होता, फ्रीडम मिली है सबको, तो बस इतना ही बोलूँगी।